प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 17/5/1967 वॉज बींग नरेटेड। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। द टॉपिक डिस्कस्ड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेकेंड पेज वॉज भक्त लोगों से पूछना है, तुम भगवान को सर्वव्यापी क्यों कह देते हो, जबकि जानते हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आबादी लगातार बढ़ती जाती है। द डिवोटी शुड बी एस्ड व्हाई डू यू कॉल गॉड ओमनी प्रेजेंट व्हेन यू नो दैट द पॉपुलेशन ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक प्राणी मात्र की संख्या में बढ़ोतरी होती है। There is an increase of the number of living beings from the beginning of the golden age till the end of the iron age. तो ये पार्ट बजाने वाली आत्माएं इस पांच तत्वों की दुनिया में आकर के पंच तत्वों का शरीर धारण करती हैं। So these souls that play a part take on a body of five elements after coming in this world of five elements. तो कहीं बाहर से आती है ना? So they come from somewhere outside, don't they? जहाँ से आती है उसे तुम कहते हो सुप्रीम एबोड, अर्श, परम धाम, ब्रह्मलोक। द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम यू कॉल इट द सुप्रीम अबोर्ड, अर्श, परम धाम, ब्रह्मलोक। तो उस ब्रह्मलोक से जहाँ से आती है उस लोक का कोई मुखिया होगा ना? सो दैट ब्रह्मलोक फ्रॉम वेयर दे कम There must be some chief of that abode, mustn't there? जो मुखिया है वो ब्रह्म महत्व तत्व का मुखिया है और आत्माओं का भी मुखिया है। That chief is the chief of the Brahma Mahatattva and of the souls too. Brahma Mahatattva, the great element Brahma, supreme abode. जो बिंदु 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 निराकार आत्माएं हैं ब्रह्मलोक में पड़ी रहती है, नंबर वार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है। द पॉइंट लाइक इनकॉर्पोरियल सोल्स दैट कीप लाइंग इन ब्रह्मलोक कम वन आफ्टर द अदर अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड। कनपुर में जब ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है, व्हेन द शूटिंग ऑफ द ब्रॉड ड्रामा हैपेंड इन द प्रीवियस साइकिल, तो जिसने जैसा ज्ञान उठाया, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, Whatever kind of knowledge someone grasped, whatever kind of purushat someone made, उस परम ब्रह्म को परम ब्रह्म में रहने वाली आत्माओं ने नंबर वार पुरुषार्थ किया ना? That param brahma, the souls who live in that param brahma, made purushart according to their capacity, didn't they? तो जिस क्रम से पुरुषार्थ किया उसी क्रम से उनको भेज देते हैं। So they are sent in the same order in which they made purushart. तो भेजने वाला कोई एक हुआ ना? सो देर मस्ट बी वन सेंडर, मजन देर। जो एक हुआ वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज ही कहा जाएगा। दैट वन विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ सीड ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ही मुख्य है प्राणी। ओनली द ह्यूमन बीइंग इज द इम्पोर्टेंट बीइंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसको आदि पुरुष आदम एडम कहा जाता है। सो द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज कॉल्ड द फर्स्ट मैन, आदि पुरुष आदम एडम। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। ही इज द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड। परंतु जब पिता बनता है तब तो पत्थर बुद्धि हो जाता है। But when he becomes the father, he becomes the one with a stone-like intellect. आत्मा जैसे पत्थराई जाती है। It is as if the soul becomes a stone. तो जो ब्रह्मलोक है आत्माओं का लोक, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का लोक है। So ब्रह्मलोक, the abode of the souls, the abode of the point-like incorporeal souls. उस लोक का जो मुखिया आत्मा है सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में रहने वाली है। द चीफ सोल ऑफ दैट अबोर्ड हु रिमेन्स इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज द मोस्ट, और जन्म मरण के चक्र से भी न्यारी है, गर्भ से उसका जन्म कभी होता ही नहीं।
and is also beyond the cycle of birth and death, is never born through the womb. वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है. When that soul comes to this world, he enters that very permanent chariot who is the seed of the entire human world. जिसको हिंदू लोग कहते हैं तमादि देव है पुरुष है पुराण है. The Hindus call him Tvamadi Deva Purusha Purana, meaning you are the first deity and the most ancient man. Purana te purana purush hai is srishti rupi rangmanch ka. He is the oldest man of this stage like world. To sabit hota hai na ki ek vyapi hai ya anek vyapi hai, sarv vyapi hai. So is it proved that he is present in one or present in many, omnipresent? जब भेद देते हैं तो ऊपर में रहने वाला है ना. When he sends down the souls, it means he is the one who stays above, isn't he? सब को भेज देते हैं. He sends everyone. और जब सब आत्माओं को भेज देते हैं तो अगर आत्माओं में कोई मुखिया है उसको भेजेंगे तो उसकी जो संस्था है. एंड व्हेन ही सेंड्स ऑल द सोल्स, इफ देयर इज सम चीफ अमंग द सोल्स, इफ ही इज सेंट, हिज संस्था ऑर्गेनाइजेशन. संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थिर रहने वाले. सन मीन्स संपूर्ण कंप्लीट, स्था मीन्स दैट विच रिमेन्स स्टेबल. जो उस मुखिया के स्वरूप में जो भी स्थिर रहने वाले हैं उन आत्माओं को भी तो भेजना पड़ेगा ना. ऑल द सोल्स हु आर फोकस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ दैट चीफ विल आल्सो हैव टू बी सेंट, वोंट दे? अब इस सृष्टि के मुखियाएं नंबरवार हैं. नाउ द चीफ्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर नंबरवाइज. दुनिया में जितने धर्म हैं नंबरवार आने वाले धर्म पिताएं हैं वो अपनी अपनी धार्मिक संस्था के मुखिया है. For whichever religions there are in the world, the religious fathers who come number wise are the chiefs of the respective religious organizations. उनको पहले भेजते हैं, फिर उनके followers को भी भेजते हैं. They are sent first, later their followers are also sent. उन धर्म पिताओं की बनाई हुई संस्था में उन followers का आत्मा कहो मन बुद्धि कहो विशेष आस्था है. द सोल्स ऑफ दोज फॉलोअर्स कॉल इट द माइंड एंड इंटेलेक्ट हैव स्पेशल फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशंस मेड बाय दोज रेस्पेक्टिव रिलीजियस फादर्स. तो उनकी संस्था हो गई. सो दैट इज देयर संस्था. संस्था का मतलब ये है संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थाई. द वेरी मीनिंग ऑफ इट इज सन मीन्स कम्प्लीट, स्था मीन्स स्टेबल. निश्चय बुद्धि रहते हैं. They remain those with a faithful intellect. तो भेजेंगे ना संस्था वालों को भी. So he will send those of those संस्था too, won't he? तो सबसे आएंगे उन संस्थाओं के मुखिया. So all the heads of those organizations will come. जैसे सूर्य है सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है. Just like the sun is the chief of the entire world, it is the chief of the planets and constellations too. और इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है. And where there is life on this earth. आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं. The souls attain life after coming. पांच तत्वों का शरीर लेती हैं, जीव आत्मा कही जाती हैं. They take on a body of the five elements and are called a living soul. तो सबका पोषण करता है. So it sustains everyone. सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना. Sunlight sustains everyone, doesn't it? परंतु वो सूर्य तो जड़ है. But that sun is in fact inert. ये तो ज्ञान सूर्य की बात है. This is about the sun of knowledge. ज्ञान कोई जड़त्व में नहीं होता है. There is a knowledge in something inert. ज्ञान तो चैतन्य आत्मा में होता है. A living soul has knowledge. मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है अपने संग के रंग से. सो
the one who comes in this human world and also makes the father of the human world, the one with a Paras-like intellect from the one with a stone-like intellect, with the color of his company. तो वो इस सारी सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया. He is like the sun of knowledge for this entire world. जैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र सितारों उपग्रह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और जो भी प्राणी मात्र है सबसे डिटैच होकर रहता है. जस्ट लाइक द सन रिमेन्स डिटैच फ्रॉम ऑल द प्लैनेट्स कॉन्स्टेलेशंस स्टार्स सैटेलाइट्स अर्थ वाटर एयर फायर sky and all the living beings that exist. Surya koi mein attach hoke rehta hai kya? Does the sun remain attached to anyone? Surya ki koi mein aa sakti nahi. The sun doesn't have attachment to anyone. Nahi aa sakti hai to bhi sabko prakash deta hai. It doesn't have attachment yet it gives light to everyone. Aise wo gyan surya shiv hai. Similar is the sun of knowledge, Shiv. जो भी ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं प्राणी मात्र की मनुष्य मात्र की देवात्माओं की राक्षसी आत्माओं की. All the point of light like souls of the living beings, the human beings, the deity souls, the demonic souls. उन सब आत्माओं का बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार बाप है. He is the incorporeal father of all those souls. Of all the point-like incorporeal souls. वो गीता में अक्षर कहा गया है. He is called Akshar in the Gita. Akshar, the one who doesn't experience downfall and whose energy never discharges. एक ही आत्मा है. There is just one soul like this. जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट भी बजाती है साकार शरीर के द्वारा. He plays a part through a corporeal body after coming on the stage-like world. भले गर्भ से जन्म नहीं लेती. Although he isn't born through a womb. परंतु गीता में तो लिखा है प्रविष्टम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ. It is certainly written in the Gita, प्रविष्टम meaning I am capable of entering. तो मनुष्य सृष्टि का जो भी हीरो पार्टधारी बीज रूप आत्मा है उसमें परमानेंटली प्रवेश करती है. So, Shiv permanently enters the hero actor, the seed form soul of the human world. और आत्माओं का मुखिया है. And he is the chief of the souls. परंतु जब शरीर रूपी रथ में प्रवेश करती है तो जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर का जो मालिक है. But when he enters the chariot-like body, the owner of the body which he enters, कौन? Who? आदम मनुष्य सृष्टि का बीज बाप. आदम द सीड फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. बीज को बाप कहा जाता है ना? द सीड इज कॉल्ड द फादर इजंट इट. तो उस बीज को आप समान बनाती है. सो ही मेक्स दैट सीड इक्वल टू हिमसेल्फ. माना पत्थर बुद्धि से संग के रंग के द्वारा कहा जाता है आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा बना देती है. इट मीन्स इट इज सेड दैट इट मेक्स हिम इनकॉर्पोरियल वाइसलेस ईगोलेस अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल इक्वल टू हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग द वन विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट थ्रू द कलर ऑफ हिज कंपनी. परंतु क्या वो निराकार ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बनाने वाला है? But is that incorporeal point of light, supreme soul, the one who makes him equal? बनाता है, है? Does he make him equal? अगर बनाता है कहें? If it is said that he makes him equal, तो और जो ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई, वो तो कहेंगे कि ये तो पार्शियलिटी हो गई. The other point of light souls, point like souls who are mutually brothers. They will say that it is partiality. तो वो किसी को बनाता नहीं है. So he doesn't make anyone equal to himself. वो सिर्फ आकर के इस सृष्टि पर अजन्मा होने के कारण. He just comes to this world and because of being अजन्मा.
सारी सृष्टि का ज्ञान होने के कारण बिकॉज ऑफ हैविंग द नॉलेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड अपना जिसमें प्रवेश करता है उसका और सारी सृष्टि के प्राणी मात्र का ज्ञान दे देता है. ही गिव्स हिज नॉलेज द नॉलेज ऑफ द वन हुम ही एंटर्स एंड ऑफ द लिविंग बीइंग्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. जानकारी देता है. ही गिव्स इन्फॉर्मेशन. बाकी वो बनाता करता किसी को नहीं है. एज फॉर द रेस्ट ही डजंट मेक समवन इनटू समथिंग. इसलिए आकर्ता गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है. दिस इज वाई ही इज प्रेज्ड एज अकर्ता अभोक्ता. क्योंकि जो भोगेगा सुख भोगेगा दुख भोगेगा तो उसका उजूरा भी प्राप्त करेगा. इट इज बिकॉज इफ ही एक्सपीरियंसेस समथिंग इफ ही एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस सोरो ही विल ऑल्सो अटेन इट्स फ्रूट. सुख भोगेगा सुख लेगा कोई के द्वारा तो उसे सुख देना पड़ेगा. इफ ही एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस टेक्स हैप्पीनेस फ्रॉम समवन ही विल हैव टू रिटर्न इट. दुख देगा तो दुख देना पड़ेगा. इफ ही गिव्स सोरो ही विल हैव टू टेक सोरो इन रिटर्न. लेकिन वो तो अनासक्त है, सदैव इस सृष्टि पर आते हुए पार्ट बजाते हुए भी अनासक्त. बट ही इज डिटैच्ड. ही इज ऑलवेज डिटैच्ड डिस्पाइट कमिंग इन दिस वर्ल्ड एंड प्लेइंग अ पार्ट. इसलिए वो अभोक्ता है. दिस इज वाई ही इज अभोक्ता. और उसे अक्षर कहा है गीता. एंड ही इज कॉल्ड अक्षर इन द गीता. एक ही मात्र आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती शक्ति से. ही इज द ओनली सोल हुज पावर नेवर डिस्चार्जेस. कौन सी शक्ति? विच पावर? आत्म भाव की शक्ति. द पावर ऑफ द सोल कॉन्शियस स्टेज. उसकी जो आत्म भाव की शक्ति है. हिज पावर ऑफ द सोल कॉन्शियस स्टेज. जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करती है. When he enters the father of the human world, coming to this stage-like world, तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा को कंट्रोल करती है ज्योति बिंदु आत्मा को. Does he control the soul of that father of the human world, the point of light soul? या उसके शरीर को कंट्रोल करती है. Or does he control his body? शरीर को कंट्रोल करती है क्योंकि वो शरीर ही पांच तत्वों का संघात है. उसे प्रकृति कहा जाता है. ही कंट्रोल्स द बॉडी बिकॉज दैट बॉडी इटसेल्फ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स. इट इज कॉल्ड नेचर प्रकृति. ये प्रकृति प्रकृष्ट रूप में कृति कही जाती है. रचना कृति माने. दिस प्रकृति इज कॉल्ड कृति इन द एक्सलेंट फॉर्म. कृति मीन्स क्रिएशन. तो जो प्रकृति है आदम का शरीर पांच तत्वों का संघात वो सुप्रीम सोल की भी प्रकृति है. तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी प्रकृति है. सो नेचर द बॉडी ऑफ आदम द कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स इज द प्रकृति ऑफ द सुप्रीम सोल एज वेल एज द प्रकृति ऑफ द वन हुम ही एंटर्स. क्या? व्हाट? प्रकृति का संघात स्वरूप शरीर एक ही है, आधार एक ही है. द कम्बाइंड फॉर्म ऑफ नेचर द बॉडी इज जस्ट वन. देर इज जस्ट वन सपोर्ट. परंतु आत्माएं दो हैं. बट देर आर टू सोल्स. एक अक्षर. वन इज अक्षर. कभी भी क्षरित न होने वाली शक्ति छीन ही नहीं होती आत्मा की. द वन हू नेवर डिस्चार्जेस. द पावर ऑफ द सोल डजंट डिस्चार्ज एट ऑल. और जिसमें प्रवेश करती है वो है क्षर. एंड द वन हुम ही एंटर्स इज क्षर. वो अकेली आत्मा कोई क्षर थोड़ी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर. दैट सोल अलोन इज इन श्योर ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड. जितने भी प्राणी मात्र हैं सभी आत्माएं क्षरित होने वाली है. ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑल द सोल्स डिस्चार्ज. इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म बाई जन्म लेती जाती हैं, सुख भोगती जाती हैं. दे कंटिन्यू टू हैव बर्थ आफ्टर बर्थ एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड. और शक्ति छीन होती जाती है. एंड द पावर कीप्स डिस्चार्जिंग. इसलिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माएं. दिस इज वाई ऑल द सोल्स कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड. प्राणी मात्र की आत्माएं बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु
द सोल्स ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स वो सब क्षरित हैं। ऑल ऑफ देम आर डिस्चार्ज्ड। पतित बन जाती है, उनकी शक्ति का पात होता है, आत्मभाव छीन होता जाता है। दे बिकम इम्प्योर, देयर पावर डिस्चार्जेस, द सोल कॉन्शियस स्टेज रिड्यूसेस। जैसे जैसे नई नई शरीर धारण करती जाती हैं, एज वी कंटिन्यू टेकिंग न्यू बॉडीज, वो शरीर भी श्रेष्ठ मिलता है। डू दे रिसीव एलिवेटेड बॉडीज, या शरीर के पांच तत्व जिनसे बनता है शरीर वो भी भ्रष्ट होते जाते हैं। और दोज बॉडीज मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स डू दे ऑल्सो डिग्रेड, तो उसमें एक अंतर है। देर इज वन डिफरेंस इन दिस, जिन आत्माओं ने कल्पांत काल में पहले भी द सोल्स हु एट द एंड ऑफ द साइकिल इवन बिफोर, जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, व्हेन शिव सुप्रीम सोल द इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट हु प्लेज अ पार्ट बिहाइंड द कर्टन ऑफ द स्टेज लाइक वर्ल्ड कम्स एंड नरेट्स द नॉलेज, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, गिव्स हिज ओन इन्फॉर्मेशन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ द लिविंग बींग्स, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, एंड ऑल्सो ऑफ द मेन एक्टर्स हु आर कॉल्ड विभूति इन द गीता, या वॉट वी माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली, वी मीन्स विशेष स्पेशल, भूति मीन्स द वन हू हैज अ स्पेशल बर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ रेवल्यूशन, तो उन सब का परिचय देता है। देन ही गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम, ये ज्ञान देता है, ही गिव्स दिस नॉलेज, इसलिए गीता ने कहा है, दिस इज वाई इट इज सेड इन द गीता, नहि ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहि ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एज प्योर एज द ईश्वरीय नॉलेज, इस संसार में ज्ञान के समान, इन दिस वर्ल्ड इक्वल टू द नॉलेज, कौन सा ज्ञान, विच नॉलेज, एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और एक मुकर्रर रथ के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, द नॉलेज गिवन बाय द वन गॉड एंड द नॉलेज गिवन बाय द वन परमानेंट चैरियट, ऐसी तो ज्ञान सुनाने वाले बहुत हो जाते हैं, धर्म पिताएं हो जाते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं, साधु संत हो जाते हैं, एज सच देर आर मेनी हु नरेट नॉलेज, देर आर द रिलीजियस फादर्स द रिलीजियस सोल्स सेजेस एंड सेंट्स, लेकिन जो सत्य ज्ञान है, बट द ट्रू नॉलेज, वो एक ही सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, देर इज जस्ट वन ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज वन, ट्रूथ इज वन, उस एक से ही ज्ञान आता है, नॉलेज कम्स ओनली फ्रॉम दैट वन, और बाकी सभी जो कुछ देते हैं उसमें उनका देहभान देहंकार मिक्स होता है। And what all the others give, the body consciousness, bodily ego mixes in it. तो देहंकार जो मिक्स होता है, so the bodily ego that is mixed, वो भी सबके अंदर एक जैसा मिक्स होता होगा, is that to mix the same way in everyone, या नंबर वार मिक्स होता होगा, or is it mixed number wise, more or less, एक जैसा नहीं हो सकता, it can't be the same, जब अखूट ज्ञान का भंडार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है, When the inexhaustible stores of knowledge shift, the point of light comes to this world, तो जिसमें प्रवेश करता है वो जितना उसे स्मृति से याद करेगा उसके साथ तो है ही है, द वन whom he enters, the more he remembers him consciously, he is with him for sure, क्या वॉट स्मृति के आधार पर सदा सन्मुख हुआ न, ऑन द बेसिस ऑफ रिमेम्बरेंस ही इज ऑलवेज फेस टू फेस, इजंट ही,
बाकी आत्माएं तो नंबरवार हो जाती है। ऑल द अदर सोल्स आर नंबर वाइज। इसलिए जो आत्मा स्मृति के आधार पर सबसे जास्ती संग का रंग लेती है तो ज्ञान भी उसमें सबसे जास्ती आ जाता है। दिस इज वाई द सोल हु इज कलर्ड बाय द कलर ऑफ द कंपनी द मोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिमेम्बरेंस ऑल्सो हैज नॉलेज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। जैसा संग वैसा रंग। एज इज द कंपनी सो इज द कलर अप्लाइड टू हिम। तो कोई आत्माएं जल्दी आ जाती है। सो सम सोल्स कम क्विकली। क्या? व्हाट? कोई देर में आती है। सम सोल्स कम क्विकली सम कम लेट। और कोई देर में भी आती है तो भी लास्ट में आने पर बड़ी फास्ट चली जाती। एंड ऑल दो सम कम लेट दे डू गो वेरी फास्ट डिस्पाइट कमिंग लास्ट। क्योंकि उनके जो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना वो पवित्र रहा है। इट इज बिकॉज द अकाउंट ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ्स वाज प्योर। माना उन्होंने सुप्रीम सोल जैसी पवित्रता धारण की है। इट मीन्स दे हैव अटेंड प्यूरिटी लाइक द सुप्रीम सोल। क्या? व्हाट? एक में आस्था। फेथ इन द वन। जैसे सुप्रीम सोल आता है ना। जस्ट लाइक व्हेन द सुप्रीम सोल कम्स तो उसकी आस्था मुकर्र रूप से एक में है या अनेक में। डज ही हैव परमानेंट फेथ इन द वन और इन मेनी। एक में। इट इज इन द वन। ऐसे ही कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाती है, जन्म जन्मांतर अलग अलग चोले धारण करके पार्ट बजाती है। सिमिलरली देर आर सम सोल्स हु डू प्ले अ पार्ट ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड। दे प्ले अ पार्ट टेकिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज बर्थ आफ्टर बर्थ। लेकिन कोई आत्माएं अनेकों का संग लेती है जन्म जन्मांतर। बट सम सोल्स टेक द कंपनी ऑफ मेनी बर्थ आफ्टर बर्थ। और कोई आत्मा ऐसी भी है जो जन्म जन्मांतर एक का ही संग लेती है। एंड सम सोल्स आर सच हु टेक द कंपनी ऑफ ओनली वन बर्थ आफ्टर बर्थ। क्या? व्हाट? चाहे स्त्री चोले में जन्म ले तो स्त्री चोले में तो सबसे नजदीक संबंध होता है साधन सजनी का। वेदर दे हैव फीमेल बर्थ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप फॉर अ फीमेल बॉडी इज ऑफ अ लवर एंड अ बिलेवर्ड। उसी रूप में जन्म लेती है। शी इज बॉर्न इन दैट फॉर्म। अगर पुरुष जन्म भी होता है तो सन्यासी बनेगी। इवन इफ शी इज बॉर्न एज अ मेल शी विल बिकम अ सन्यासी। किसी और के साथ संग दोष में नहीं आती। शी डजंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बैड कंपनी ऑफ अदर्स। इसलिए पवित्रता के संस्कार उसमें रहते। दिस इज वाई द संस्कार ऑफ प्यूरिटी रिमेन्स इन हर। सन्यासी बनकर के भी जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी विश्व पिता कहा जाता है, सन्यासी बनकर के भी उसके संग के रंग में जास्ती रहती है। ऑल्सो शी रिमेन्स द मोस्ट इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ द हीरो एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड हु इज कॉल्ड द वर्ल्ड फादर इवन आफ्टर बिकमिंग अ सन्यासी। क्योंकि जो जितना स्मृति से एकाग्र होता है ईश्वर की याद में। इट इज बिकॉज द मोर समवन रिमेन्स फोकस्ड कॉन्शियसली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड उतना ज्यादा उसमें योग की शक्ति आती है। द मोर ही असिमिलेट्स द पावर ऑफ योग। योग की पावर आने के कारण उसमें वो शक्ति आ जाती है जिसे दुनिया में कहा जाता है वशीभूत करने की शक्ति। बिकॉज ऑफ हैविंग द पावर ऑफ योग ही असिमिलेट्स द पावर दैट इज कॉल्ड द पावर टू एन्चेंट इन द वर्ल्ड। क्या? व्हाट? ये एकाग्रता की शक्ति है। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि के प्राणियों को कंट्रोल कर सकती। द मोर कॉन्सेंट्रेशन समवन हैज द मोर ही कैन कंट्रोल द लिविंग बींग्स ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड। जैसे शास्त्र में गाया हुआ है ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि का वातावरण इतना बुद्धि का पवित्र होता था वाइब्रेशन कि शेर और बकरी या गाय एक घाट पानी पीते थे।
जस्ट लाइक इट इज प्रेज्ड इन द स्क्रिप्चर्स इन द आश्रम्स ऑफ द सेजेस एंड सेंट्स द इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट द वाइब्रेशंस ऑफ द सेजेस एंड सेंट्स यूज्ड टू बी सो प्योर दैट अ लायन एंड अ गोट और अ काउ यूज्ड टू ड्रिंक वाटर एट द सेम रिवर बैंक। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। सो ऑल दिस इज अबाउट द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती है, कोई ज्यादा धारण करती है। सो सम सोल्स असिमिलेट दैट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेस एंड सम असिमिलेट इट अलॉट। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ कमिंग अर्लियर और लेटर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोई पहले आ जाती है नजदीक, सम कम क्लोज फर्स्ट, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है। बट देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट लाइक सोल हैज अ डाउटिंग इंटेलेक्ट। पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। दे आर अनेबल टू रिमेन स्टेबल हैविंग कम्प्लीट फेथ। जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, द गैदरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय हिम, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होके रह सके। They can't remain stable in it from the beginning till the end. इसलिए गीता में कहा है बहुशाखारंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम। This is why it is said in the Gita, बहुशाखा हनंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है। It means those whose intellect becomes devoid of faith, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं। प्रूफ और प्रमाण के आधार पर, दोज़ हू कांट हैव द कंप्लीट फेथ बेस्ड ऑन प्रूफ एंड एविडेंस, बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया। देयर इंटेलेक्ट इटसेल्फ इज सच दैट दे बिलीव्ड इन हियरसेस, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। दे डिडंट यूज देयर ओन इंटेलेक्ट। तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती है, अनिश्चय बुद्धि रह जाती है और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती। सो सच सोल्स बिकम डिवाइड ऑफ फेथ, दे रिमेन दोज विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट एंड कीप बिकमिंग कंफ्यूज्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द अदर रिलीजन्स। बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है। बहुशाखा अनंताश्च, देयर इंटेलेक्ट बिकम्स दैट व्हिच गोस इन मेनी ब्रांचेस। क्या? व्हाट? एक में स्थिर होकर नहीं रहती। इट डजंट रिमेन स्टेबल इन वन। और जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग करण लग जाता है। एंड द ब्रांचेस इन हूज रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन दे कम इन, दे आर कलर्ड बाय देयर कंपनी। संग करण रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। When they are colored by the company, they don't remain in the stage that Shiv, the one who makes us attain the self stage, who remains in the self stage forever, can make us attain. तो बताया कि वो शिव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो आत्माएं नंबर वार ज्ञान उठाती हैं। So it was said, when Shiva comes on this stage-like world, the souls grasp the knowledge according to their capacity. और जितना जैसा जितने ज्ञान उठाया, उसी अनुसार उन आत्माओं को एकाग्रता प्राप्त होती है। And the extent to which the soul grasps the knowledge and the kind of knowledge it attains, it gains concentration to that extent. किसके ऊपर एकाग्रता? Concentration on whom? एक के ऊपर एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन ऑन द वन। किस एक के ऊपर? ऑन विच वन? जो एक ही है ज्ञान देने वाला। ही इज द ओनली वन हु गिव्स द नॉलेज। बाकी सब अज्ञान देने वाले। ऑल द अदर्स गिव इग्नोरेंस। गीता ज्ञान सिर्फ एक भगवान ही सुनाता है। गॉड अलोन नरेट्स द नॉलेज ऑफ द गीता। इसलिए दुनिया में एक ही ग्रंथ ऐसा है
जो भगवान के द्वारा गाया हुआ बताया गया श्रीमद् भगवत गीता। दिस इज वाई देर इज ओनली वन स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड दैट इज प्रेस्ड टू हैव बीन संग बाय गॉड, द श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत, द सॉन्ग ऑफ नॉलेज संग बाय गॉड। और कोई दुनिया में धर्म शास्त्र नहीं है जो भगवान ने स्वयं गाया हो। देर इज नो अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड विच इज संग बाय गॉड हिमसेल्फ। लिखा नहीं है, ही हैज़न्ट रिटन इट, वर्बली मुख से सुनाया है, ही हैज़ नरेटेड इट वर्बली थ्रू द माउथ। जैसे सभी धर्म पिता आते हैं तो वर्बली सुनाते हैं, जस्ट लाइक ऑल द रिलीजियस फादर्स कम दे नरेट इट द टीचिंग्स वर्बली, बाद में उनके फॉलोअर्स जो याद रखते हैं उसका शास्त्र बनाई देते हैं। लेटर द फॉलोअर्स हु रिमेम्बर राइट द स्क्रिप्चर। तो ऐसे ही उसने जो ज्ञान सुनाया, सिमिलरली द नॉलेज दैट ही नरेटेड, उस ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं नंबर वार परसेंटेज में बनती हैं कि एक जैसी बनती हैं। बट द सोल्स हु इम्बाइब दैट नॉलेज बिकम नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज और डू दे बिकम अलाइक, नंबर वार बनती है, दे बिकम नंबर वाइज, इसलिए नंबर वार शक्ति धारण करती है। दिस इज वाई दे अटेन पावर नंबर वाइज, क्योंकि एक को पहचानने की बात है, बिकॉज इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द वन। क्या वॉट, अब कोई कहे कि उस एक को तो एक ही पहचान पाता है जिस एक में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर। नाउ इफ समवन सेज दैट ओनली द वन इन हुम द सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड द फादर एंटर्स इन अ परमानेंट वे कैन रिकॉग्नाइज द वन। ठीक है, फाइन, एक में प्रवेश करता है तो वो एक 100% तैयार होता है बाप समान। He enters the one, so that one becomes 100% equal to the father. बाकी? What about the rest? नंबर बार बनेंगे या नहीं बनेंगे? Will they become like him, number wise, sooner or later according to their purusharth or not? तो जिस नंबर पर शक्ति धारण करने वाले बनते हैं, जिस नंबर के ज्ञानी बनते हैं, सो एट whichever नंबर दे अटेन द पावर, एट whichever नंबर दे बिकम नॉलेजेबल, ज्ञानी माने जानकारी वाले, नॉलेजेबल मीन्स दोस्त हु हैव इन्फॉर्मेशन, जानकार, किसके जानकार, एक बाप के जानकार, द नोवर्स, द नोवर्स ऑफ हुम, द नोवर्स ऑफ द वन फादर। तो एक निराकार बाप को जानने वाला तो मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। So it is the seed of the human world who knows the one incorporeal father. वो 100% उस एक को जानता है। He knows that one 100%. बाकी जो है वो नंबरवार हो जाते हैं क्योंकि उनमें मुकर्रर रूप से प्रवेश तो किसी में होता ही नहीं है, है ना? All the rest become number wise because he doesn't enter anyone else permanently, does he? तो बताया कि ये ज्ञान की शक्ति है। So it was said. This is the power of knowledge. पहचान की शक्ति है। The power of recognition. और ज्ञान के आधार पर योग बल धारण करने की शक्ति है। And it is the power to attain yog bal, strength of yog, on the basis of knowledge. जो भी प्राणी मात्र जितना जितना शक्ति धारण करते हैं, उतना उतना वो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मन से, तन से, शरीर की इंद्रियों से ज्यादा सुखी होकर रहती। द मोर द लिविंग बींग्स अटेन पावर, द मोर दो सोल्स रिमेन हैप्पी थ्रू द माइंड बॉडी द इंद्रिया ऑफ द बॉडी ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड। क्या? वॉट? ज्यादा ज्ञान होगा तो क्षरण धीरे धीरे होगा। इफ देर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज द डिस्चार्ज विल टेक प्लेस ग्रेजुअली। शक्ति का पतन धीरे धीरे होगा। द फॉल ऑफ द पावर विल टेक प्लेस ग्रेजुअली। और ज्ञान कम होगा आत्मा के अंदर। एंड इफ देर इज लिटिल नॉलेज इन द सोल, ज्ञान के आधार पर योग शक्ति की प्राप्ति कम की है। इफ देर इज लिटिल अटेनमेंट ऑफ द पावर ऑफ योग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, तो शक्ति कम होने के कारण वो आत्माएं जल्दी जल्दी क्षीण होती रहती। दो सोल्स डिस्चार्ज रैपिडली बिकॉज ऑफ लैकिंग पावर।
तो सारी बलिहारी है ज्ञान और योग की. सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू नॉलेज एंड योग. उनमें 100% ज्ञान और योग की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज बाप. अमोंग देम द लिविंग सोल्स द सोल द सीड द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड हु अटेन्स 100% पावर ऑफ नॉलेज एंड योग. जो सरंग मंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाता है. हु प्लेज अ पार्ट एज द हीरो एक्टर ऑन द स्टेज. वो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अंतकाल तक भी. ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड टिल द एंड टू क्या वॉट धीरे धीरे चरित होता है. डिस्चार्जेस स्लोली. और प्राणियों के मुकाबले और मनुष्यों के मुकाबले उसका चरण धीरे होता है. इन कंपैरिजन टू द अदर लिविंग बीइंग्स टू द अदर ह्यूमन बीइंग्स ही डिस्चार्जेस स्लोली. इसलिए वो सबसे जास्ती शक्तिशाली रहता है. दैट इज व्हाई ही इज द मोस्ट पावरफुल. जन्म जन्मांतर है उसे कोई क्या हार नहीं खिला सकता. बर्थ आफ्टर बर्थ नोबडी कैन व्हाट नोबडी कैन डिफीट हिम. किसी भी क्षेत्र में इन एनी फील्ड साहित्य के क्षेत्र में भी युद्ध के क्षेत्र में भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ वॉर कर्म के क्षेत्र में भी एंड इन द फील्ड ऑफ एक्शंस टू. लेकिन कोई पहचान भी नहीं पाता. बट नोबडी कैन रिकॉग्नाइज हिम ईदर. वंडरफुल बात यह है. दिस इज द वंडरफुल थिंग. षष्ठी रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में वो आत्मा आदि से लेकर के अंत तक गुप्त पार्ट धारी होकर रहती है. दैट सोल रिमेन्स अ हिडन एक्टर इन द ब्रॉड ड्रामा ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. हिस्ट्री में मानवीय हिस्ट्री में मानव जान भी लेता है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन ऐसी आत्मा है और कहाँ किस देश में है जो कभी किसी से हार नहीं खाती. इन हिस्ट्री इन द ह्यूमन हिस्ट्री द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कम्स टू नो हु सच सोल इज ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड विच इज नेवर डिफीटेड बाय एनीवन एंड वेयर एंड इन विच कंट्री इट इज. और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है एक नारायण है जो नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण बनता है. एंड इट इज सर्टेनली रिटन इन द स्क्रिप्चर्स इट इज जस्ट नारायण हु बिकम्स नारायण फ्रॉम नर डायरेक्टली इन दैट वेरी बर्थ. वो कभी किसी से हार नहीं खाता. ही इज नेवर डिफीटेड बाय एनीवन. शूटिंग पीरियड में भी हार नहीं खाता तो ब्रॉड ड्रामा में भी हार नहीं खाता. ही इजंट डिफीटेड इन द शूटिंग पीरियड सो ही इजंट डिफीटेड इन द ब्रॉड ड्रामा ईदर. तो बताया ये वो ही आत्मा है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं. सो इट वॉज सेड दिस इज द सेम सोल हुम शिव एंटर्स. तो उसका शरीर रूपी घर ब्रह्मलोक बन जाता है. सो इज हाउस लाइक बॉडी बिकम्स ब्रह्मलोक. क्योंकि शिव का प्रवेश होना और जिसमें प्रवेश होता है उसको काम निकालने के लिए नाम देता है ब्रह्मा. इट इज बिकॉज शिव एंटर्स एंड द वन हुम ही एंटर्स ही नेम्स हिम ब्रह्मा टू हैव हिज वर्क डन. अब अव्वल नंबर में जिसे प्रवेश करता है तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा परम ब्रह्म. वेल द वन हुम ही एंटर्स एट फर्स्ट इज द नंबर वन ब्रह्मा परम ब्रह्म. जिसके लिए शास्त्रों में गाया हुआ है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. फॉर हिम इट इज प्लेस्ड इन द स्क्रिप्चर्स गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रेयर. वो परम ब्रह्म जो है तो तत्व. That Parambrahma is in fact an element. लेकिन तुरिया तत्व है. But it is an unique element. रहने का स्थान तो है. It is definitely a place of living. आत्माओं के रहने का स्थान है. The place for the souls to live. क्या? What? जैसे
इस साकार देवभानु वाली सृष्टि में परिवार का बाप होता है. जस्ट लाइक देर इज अ फादर ऑफ अ फैमिली इन दिस कॉर्पोरियल बॉडी कॉन्शियस वर्ल्ड. तो परिवार में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे जिन बच्चों का जन्म होता है परिवार में वो बच्चे नंबरवार आते हैं ना सृष्टि पर जन्म लेकर प्रत्यक्षता रूपी. द चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन द फैमिली कम नंबर वाइज वन आफ्टर द अदर इन द वर्ल्ड हैविंग अ बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन टू द फैमिली डोंट दे. कोई बच्चा पहले जन्म लेता है अब्बा माँ बाप से. सम चाइल्ड इज बोर्न फर्स्ट टू द पेरेंट्स. कोई बाद में जन्म लेता है. एंड सम आर बोर्न लेटर. कहने को आता है माता से जन्म मिला. इट इज सेड दैट ही इज बोर्न फ्रॉम द मदर. लेकिन माता जानती है कि बीज डालने वाला बाप कौन है. बट द मदर नोज हु द फादर हु सोस द सीड इज. तो अगर परिवार में जैसे मिजोरम में एक परिवार है. सो इफ इन अ फैमिली जस्ट लाइक देर इज अ फैमिली इन मिजोरम. मिजोरम इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. है उस परिवार में सैकड़ों बच्चे. देर आर हंड्रेड ऑफ चिल्ड्रन इन दैट फैमिली. और एक बाप से पैदा हुए. एंड दे आर बोर्न टू वन फादर. रानियां भी अनेक. देर आर मेनी क्वींस वाइफ्स टू. मने माताएं भी अनेक नंबर वार. इट मीन्स देर आर ऑल्सो मेनी मदर्स नंबर वाइज मैरिड वन आफ्टर द अदर. और उन माताओं से अनेक बच्चे पैदा हुए. एंड मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न टू दोस मदर्स. और पूरा परिवार संगठित खुशी खुशी रहता है. कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं. एंड द एंटायर फैमिली लिव्स इन यूनिटी हैप्पीली. देर इज नो डिस्प्यूट नो फाइट. तो ये परंपरा है भारत की. जिस भारत में भगवान आता है. सो दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ भारत इन विच गॉड कम्स. तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बनाता है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है. एंड ही एस्टैब्लिशेस सच अ फैमिली मैनेजमेंट विच इज कॉल्ड वसुधैव कुटुंबकम. द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली. क्या व्हाट कब कैसे बनती है. व्हेन एंड हाउ इज इट एस्टैब्लिश्ड. एक बाप होने के कारण. इट इज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द वन फादर. आज इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं अलग अलग धर्मों की अलग अलग बाप बनाए हुए. टुडे ऑल द ह्यूमन सोल्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड हैव मेड डिफरेंट फादर्स. किसी को पता भी नहीं है. नोबडी इवन नोस. क्या व्हाट कि जैसे सागर एक है. जस्ट लाइक देर इज वन ओशन. मनुष्यों ने उसके नाम दिए हुए हैं अलग अलग और सात भागों में विभाजित कर दिया. ह्यूमन बीइंग्स हैव गिवन इट डिफरेंट नेम्स एंड डिवाइडेड इट इनटू सेवन पार्ट्स. क्या व्हाट ये अलगाववादी शक्तियां हैं. आत्माएं धर्म पिताएं. दीज सोल्स रिलीजियस फादर्स आर द पावर्स दैट ब्रिंग ड्यूअलिटी. क्या व्हाट उस एक बाप को न जानने के कारण ऐसा होता है. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द वन फादर. क्या व्हाट एक बाप कौन. हु इज द वन फादर. जो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में परमानेंट आत्माओं का बाप भी प्रवेश करके पार्ट हो जाता है. द वन हु इज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द फादर ऑफ द सोल्स ऑल्सो एंटर्स दैट फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड परमानेंटली एंड प्लेज अ पार्ट. तो एक व्यापी हुआ या सर्वव्यापी हुआ. सो इज ही प्रेजेंट इन वन और इज ही ओमनी प्रेजेंट. एक व्यापी हुआ ना. ही इज प्रेजेंट इन वन इजंट ही. एक को मानेंगे तो सदा सुखी रहेंगे. इफ यू बिलीव इन द वन यू विल रिमेन हैप्पी फॉर एवर. आज भी भारत में खास इवन टूडे एस्पेशली इन इंडिया उस सनातन धर्म की पारिवारिक व्यवस्था मिजोरम में मौजूद है. दैट फैमिली मैनेजमेंट ऑफ द एंशियंट रिलीजन इज प्रेजेंट इन मिजोरम. इससे साबित होता है कि एक बाप को पहचानो. दिस प्रूव्स दैट यू शुड रिकॉग्नाइज द वन फादर. मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचानो. यू शुड रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. और मनुष्यों में जो आत्मा है ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा एंड द सोल
द पॉइंट ऑफ लाइट सोल इन द ह्यूमन बीइंग्स। जिस बिंदु की यादगार ब्रकुटी में बिंदी लगाते हैं। एज अ यादगार ऑफ दैट पॉइंट अ बिंदी इज अप्लाइड इन द ब्रकुटी। जिस बिंदु आत्मा की यादगार आंखों में से रोशनी निकलती है। लाइट कम्स आउट ऑफ द आईज एज अ साइन ऑफ दैट पॉइंट सोल। वो ज्योति बिंदु आत्मा निकल जाती है तो रोशनी चली जाती है। व्हेन दैट पॉइंट ऑफ लाइट सोल लीव्स द लाइट गोज अवे। तो साबित होता है कि आत्मा ज्योति है। सो इट प्रूव्स दैट द सोल इज लाइट। ज्योति का सूक्ष्म कण है। इट इज अ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ लाइट। वो ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इट इज सच ए रिकॉर्ड इन विच द पार्ट ऑफ मेनी बर्थ इज रिकॉर्डेड। जैसे आजकल पहले बड़ा बड़ा तवा आता था रिकॉर्ड का। जस्ट लाइक देर वर बिग डिस्क ऑफ वाइनल रिकॉर्ड अर्लियर। डेग आती थी। देर वर डेक्स। फिर और सूक्ष्मता में गए। When they went into more refinement, तो कैसेट आने लगा। The cassette came up. फिर और सूक्ष्मता में गए। Later, when they went into more refinement, तो कैसेट से भी पहले वो आया। That thing came even before the cassette. बड़ा एक घंटे का क्या वीडियो। It was big, a 1 hour. What was it called? Video. वीडियो कहते क्या कहते थे उसको। Was it called a video or something else? बड़ा टेप काला काला आता था ना। A big black tape cassette used to come, didn't it? हाँ, बाद में छोटी टेप निकल पड़ी। Student replies, yes, later small tapes came up. फिर क्या हुआ? What happened after that? फिर वो छोटी टेप में भी एक घंटे का माल 2 घंटे का भरा जाता था। In that small tape too, an hour or 2 of recording used to be recorded. है? बाद में फिर VCD निकल पड़ी। Later, the VCD came up. है? और फिर बाद में क्या हुआ? What happened after that? है? ये मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति से सारा होता है। All this happens with the power of concentration of the mind and the intellect. तो बाद में DVD निकल पड़ा। The DVD came up later on. DVD के बाद हार्ड डिस्क निकल पड़ा जिसमें ढेर सारा मैटर भरा जाता है। After the DVD, the hard disk came up in which a lot of matter, information can be stored. फिर छोटी सी चिप निकल पड़ी। After that, a small chip came up. अब वो एक से एक ताकतवर चिप बनाते जाते हैं। Now, they are making powerful chips, one greater than the other. तो भला बताओ क्या ईश्वरीय ताकत आत्मा में ज्योति बिंदु में अणु से अणु रूप छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड नहीं भरवा सकता। सो टेल मी कैन द ईश्वरीय पावर फिल द रिकॉर्ड ऑफ मेनी बर्थ इन द सोल इन द पॉइंट ऑफ लाइट इन द स्मॉल सोल मोर माइन्यूट देन एन एटम। ये एकाग्रता की बात है। दिस इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। तो एक व्यापी की बात है मूल। सो द मेन पॉइंट इज ऑफ गॉड बीइंग प्रेजेंट इन वन। अनेक व्यापी कहने से सारा अनर्थ हो गया। बाय सेइंग गॉड इज प्रेजेंट इन मेनी द एंटायर टॉपिक हैज बिकम मीनिंगलेस। बुद्धि भटक गई सबकी मनुष्यों की। द इंटेलेक्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स वांडर्ड। एकाग्र नहीं हो सकती। इट कांट कॉन्सेंट्रेट। एक को पहचानेंगे कि किस एक मनुष्य में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके। इफ यू रिकॉग्नाइज द वन इन विच पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स। अपना अपने बड़े बच्चे का जिसे बाप समान कहा जाता है। हिज ओन हिज एल्डेस्ट सन हु इज कॉल्ड इक्वल टू द फादर। हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है। द एग्जाम्पल इज प्रेजेंट इन हिस्ट्री। कि जो भी राजाए हुए उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। ऑल द किंग्स हैंडेड ओवर द किंगशिप टू द एल्डेस्ट सन। ये परंपरा सुप्रीम सोल बाप ही आकर डालता है। द सुप्रीम सोल फादर हिमसेल्फ कम्स एंड एस्टैब्लिशेस दिस ट्रेडिशन। गीता में भी बोला है। इट इज ऑल्सो सेड इन द गीता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व।
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब अनुगमन करते हैं। इट मीन्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स फॉलो ओनली माय पाथ। तो क्लियर हो जाता है कि जो भी अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं उनके धर्म पिताओं को, सो इट इज क्लियर दैट ऑल द डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस द रिलीजियस फादर्स क्या व्हाट आत्मलोक से भेजने वाला कोई एक बाप है ना? There is certainly one father who sends the souls down from the soul world, isn't there? तो सबसे आगे आए ना? So they came ahead of all, didn't they? कौन? Who? धर्मपिता। The religious fathers. उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं, वो सबसे आगे आएंगे ना? है? The heads of those organizations will come ahead of all, won't they? क्या औरों के बीच में आएंगे? Or will they come along with others? सबसे आगे आएंगे। They will come ahead of all। तो बोलते भी है एक बात कि आओ। So he also says one thing, come। बाप भेज देते हैं सच्ची रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी पार्ट धारियों को। The father sends the actor like souls on the stage like world। गीता में आया है ना? It has come in the Gita, hasn't it? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। इट मीन्स फॉर द कम्प्लीट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विकेड वंस। क्या? व्हाट? धर्म माने धारणाएं। रिलीजन मीन्स धारणाएं। जो अच्छी अच्छी धारणाएं हैं सुखदायी, द गुड धारणा विच गिव हैप्पीनेस, उन सुखदायी धारणाओं को स्थापन करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि में, टू एस्टैब्लिश दोज धारणा विच गिव हैप्पीनेस इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड, सुख का सागर जो कहा जाता है, द वन हू इज कॉल्ड द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, जो सुख का सागर एक ही है, दैट ओशन ऑफ हैप्पीनेस इज द ओनली वन, सात सात सागर के रूप में नहीं है, ही इज इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द सेवन ओशंस, वो सुख का सागर मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप आदम है। दैट ओशन ऑफ हैप्पीनेस इज जस्ट द वन फादर आदम ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं और उसे आप समान बनाते हैं। द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स हिम एंड मेक्स हिम इक्वल टू हिमसेल्फ, और वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज बाप समान शक्ति को धारण करता है। एंड दैट सोल द सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड अटेन्स द पावर इक्वल टू द फादर। क्या? व्हाट? अखूट तीनों कालों का ज्ञान धारण कर लेता है। ही अटेन्स द इनएग्जॉस्टेबल नॉलेज ऑफ द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, और उस ज्ञान के आधार पर अखूट योगी बनता है। एंड बेस्ड ऑन दैट नॉलेज बिकम्स एन इनएग्जॉस्टेबल योगी। क्या? व्हाट? जिसकी योग की पावर को कोई कम नहीं कर सकता। नो वन कैन रिड्यूस हिज पावर ऑफ योग। धर्म की धारणाओं की स्थापना के लिए आता है ना? ही गॉड कम्स टू एस्टैब्लिश द धारणा ऑफ द रिलीजन, डजंट ही? तो कौन से धर्म की स्थापना? सो टू एस्टैब्लिश विच रिलीजन है जिसके लिए बोलते हैं गीता में स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयाव। फॉर इट इज सेड इन द गीता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाव, मीनिंग इट इज बेटर टू डाई इन वन्स ओन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ द अदर्स इज डेंजरस। स्व माने आत्मा। स्व मीन्स द सोल। आत्मा के धर्म का धारणा का स्थापना करने के लिए ही कम्स टू एस्टैब्लिश द रिलीजन द धारणा ऑफ द सोल। आत्मा का धर्म क्या है? What is the religion of the soul? आत्मा है ही ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति का कण। The soul is in fact the form of the point of light, a particle of light. अणु से भी अणु, अणो अणियान समनुस्मरेत्य। It is more minute than an atom. अणो अणियान समनुस्मरेत्य। It means the soul is subtler than an atom. और मन बुद्धि सहित है। And it consists of the mind and intellect. क्या? व्हाट? आत्मा में
पावर भरी हुई है। द पावर इज फिल्ड इन द सोल। जैसे शिव इस सृष्टि पर आते हैं, जस्ट लाइक वेन शिव कम्स टू दिस वर्ल्ड, तो तीन मूर्तियों के बीच में आते हैं। ही कम्स अलॉन्ग विद थ्री पर्सनैलिटीज। तो ऐसे इस सृष्टि में हर आत्मा तीन मूर्तियों का कार्य करती है। सिमिलरली एवरी सोल इन दिस वर्ल्ड परफॉर्म्स द टास्क ऑफ द थ्री पर्सनैलिटीज। सद्गुणों की स्थापना, दुष्ट गुणों का विनाश, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गुड वर्च्यूज, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड ट्रेट्स। और जो सद्गुण स्थापन हुए हैं, जब दुष्ट अवगुणों का विनाश हो जाता है तो सद्गुणों की पालना करने वाली शक्ति, एंड व्हेन द विकेड बैड ट्रेट्स आर डिस्ट्रॉयड, द वर्च्यूज व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, द शक्ति पावर दैट सस्टेन्स द वर्च्यूज रिमेन्स। तो कहा जाता है कि धर्म स्थापन के लिए आता हूँ। सो इट इज सेड आई कम टू एस्टैब्लिश द रिलीजन। जो अधर्म है, द इरिलीजियसनेस, क्या वॉट, जो स्वधर्म नहीं है, इज दैट विच इज इन द रिलीजन ऑफ द सेल्फ। आत्मिक धर्म के अलावा जो भी है वो सब पर धर्म है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ द सोल इज पर धर्म, अ फॉरेन रिलीजन। पर माने प्रकृति, पर मीन्स नेचर, क्या वॉट, शिव आता है ना, शिव कम्स डजंट ही, है शिव तो परम पुरुष है, शिव इज इन फैक्ट परम पुरुष, सुप्रीम मेल। तो उस परम पुरुष की स्व क्या है, अपना क्या है, और उसके लिए पराया क्या है। सो वॉट इज स्व फॉर दैट परम पुरुष, वॉट इज हिज ओन एंड वॉट इज फॉरेन फॉर हिम। पर क्या है, वॉट इज पर, फॉरेन, स्व है आत्मभाव। द सोल कॉन्शियस स्टेज इज स्व फॉर हिम। तो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मभाव की शक्ति से संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। सो व्हेन ही कम्स टू दिस वर्ल्ड ही हैज अ बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवलेशन इन द वर्ल्ड विद द पावर ऑफ द सोल कॉन्शियस स्टेज। लेकिन इसके लिए उसे, बट फॉर दैट ही, प्रकृति, प्रकृति जो नीचे किस्म की कृति है जिसे कहते हैं रज और तमो प्रधान, द इन्फीरियर टाइप ऑफ क्रिएशन विच इज कॉल्ड रज एंड तमो प्रधान। प्रकृति के तीन रूप, सत्व, रज और तम। देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ नेचर, सत्व, रज एंड तम। तो शिव सुप्रीम सोल तो सिर्फ सत्व है। सो शिव द सुप्रीम सोल इज जस्ट सत्व। क्या है, वॉट इज ही, सत्य, सत्य, इट मीन्स ट्रूथ। असत का नाम निशान नहीं, देर इजंट एनी नेम एंड ट्रेस ऑफ फॉल्सिटी इन हिम। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो सत्य भाव की शक्ति से इस सृष्टि पर, एंड व्हेन ही कम्स टू दिस वर्ल्ड विद द पावर ऑफ द फीलिंग ऑफ ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। जो प्रकृति, पर माने पराई, कृति माने रचना, प्रकृति, पर मीन्स फॉरेन, कृति मीन्स क्रिएशन, क्या वॉट, पराई रचना है, इट इज अ फॉरेन क्रिएशन। क्या है पराई रचना, वॉट इज द फॉरेन क्रिएशन, है जिसके तन रूपी रथ में प्रवेश करता है, द वन इन हूज चैरियट लाइक बॉडी ही एंटर्स। उस आत्मा ने वो पांच तत्वों का तामसी पत्थर बुद्धि रथ बनाया, दैट सोल मेड द डिग्रेडेड चैरियट ऑफ द फाइव एलिमेंट्स विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। क्या वॉट, कब बनाया, व्हेन डिड ही मेक इट, है तब बनाया जब इस सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये भर जाता है अच्छी तरह कि परमात्मा सर्वव्यापी। He made it when it sits well in the intellect of all the human beings in this world that the supreme soul is omnipresent. हमारी आत्मा भी शिव है, शिवो अहम्। Our soul too is Shiv, शिवो हम, I am Shiv।
आत्मा सो परमात्मा। द सोल इज इक्वल टू द सुप्रीम सोल। हम भी ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। वी टू आर ब्रह्मास्मि, वी आर ऑल्सो ब्रह्मा। हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में ऐसे भर जाता है। दिस सिट्स इन द इंटेलेक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन सोल। ऐसे तो जब ऋषियों मुनियों ने द्वापर के आदि में एज सच व्हेन द सेजेस एंड सेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉर्पोर एज। द्वापर भी तो आदि में सत्व प्रधान होगा ना। द कॉर्पोर एज ऑल्सो मस्ट हैव बीन सत्व प्रधान इन द बिगिनिंग, मजंट इट। तो उस समय जो वेदों की रचना की थी, सो द वेदास दैट वर क्रिएटेड एट दैट टाइम, उन वेदों में से जो ऋग वेद है सत्यता को विशेष बताने वाला। द ऋग्वेद अमंग दोस वेदास व्हिच एस्पेशली डिस्क्राइब्स ट्रूथ। उस ऋग्वेद में एक ऋचा आई है कि हे ईश्वर, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे। देयर इज अ वर्स इन दैट ऋग्वेद, ओ गॉड अर्लियर वी डिडंट कंसीडर यू टू बी ओमनीप्रेजेंट। अब सर्वव्यापी मानने लगे। नाउ वी हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग यू टू बी ओमनीप्रेजेंट। ऐसी एक ऋचा आई है। देयर इज अ वर्स लाइक दिस। तो वेद ने तो पहले ही बता दिया। सो इट हैज ऑलरेडी बीन सेड इन द वेदास कि द्वैतवादी युग में जब ये लिखा पट्टी होती है, व्हेन दिस राइटिंग स्टार्ट्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिज्म, भोज पत्रों पर शास्त्र लिखते हैं भांति भांति के मनुष्य, अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स राइट्स द स्क्रिप्चर्स ऑन द भोज पत्र, लीव्स एंड बार्क ऑफ द भोज बर्च ट्री यूज्ड फॉर राइटिंग। तो बता दिया एक व्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। सो इट वॉज सेड द नॉलेज ऑफ एक व्यापी विल बैनिश, और सर्वव्यापी का ज्ञान फैल जाएगा। एंड द नॉलेज ऑफ ओमनीप्रेजेंस विल स्प्रेड। जैसे पहले मुसलमान कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। जस्ट एज द मुस्लिम सेड अर्लियर, गॉड लिव्स इन अर्श सुप्रीम अबोर्ड, ही डजंट लिव ऑन द फ्लोर फर्श। फिर अभी मुसलमान क्या कहने लगे, जर्रे जर्रे में है। व्हाट डिड द मुस्लिम स्टार्ट सेइंग नाउ, ही इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो बताओ ऐसी स्थिति जब दुनिया की हो जाती है, सो टेल मी व्हेन सच इज द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उन धर्म संस्थाओं में जो भी धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं और ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं, द रिलीजियस फादर्स एंड देयर फॉलोअर्स एंड द न्यूमरस सोल्स दैट डिसेंड इन दोस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उन मनुष्यों का मूल जन्मदाता आत्मा आदम उन बच्चों के मोह में आ जाता है। आदम द चीफ सोल हु गिव्स बर्थ टू दोस ह्यूमन बीइंग्स बिकम्स अटैच्ड टू दोस चिल्ड्रन। क्या व्हाट, क्या व्हाट, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? संग के रंग में आ जाता है अंतिम जीवन में। ही कम्स इन द कलर ऑफ देयर कंपनी इन द लास्ट बर्थ। अंतिम जीवन में पक्का पक्का बुद्धि में भर जाता है। इट सिट्स फर्मली इन द इंटेलेक्ट इन द लास्ट बर्थ। ईश्वर सर्वव्यापी, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। और उस समय जब शिव आते हैं और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं, एंड व्हेन शिव कम्स एट दैट टाइम एंड एंटर्स दैट फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, तो वो तो दिव्य जन्म लेते हैं। He in fact has a divine birth. कैसा जन्म? What kind of birth? और मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते। He doesn't have a birth like the other human souls. देव आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते। He doesn't have a birth like the deity souls. भूत प्रेत आत्माओं की तरह भी जन्म नहीं लेते। He doesn't have a birth like the ghosts and spirits either. भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोरा बदल जाता है। The facial expressions change when ghosts and spirits enter. क्या? What? प्रवेश करती हैं तो दो दो बातें करने लग पड़ती। When they enter, the ones they enter start having a double talk. ऐसे कुछ नहीं। There is nothing like that. सूक्ष्म शरीर तो और ज्यादा शक्तिशाली होता है भूत प्रेतों का। The subtle body of the ghosts and spirits is in fact even more powerful. तो जिसमें प्रवेश करती है उसको ओवर पावर कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। So they overpower those whom they enter. They take them under their control. शिव को तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं।
शिव डजंट हैव अ सटल बॉडी एट ऑल। वो तो सिर्फ हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा है। ही इज जस्ट अ लाइट पॉइंट ऑफ लाइट सोल। और सदैव ज्योति बिंदु आत्मा सत्य स्टेज वाली है। एंड ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल फॉर एवर हु पोजेसेस द स्टेज ऑफ ट्रूथ। सत्य धाम की रहने वाली है। ही लिव्स इन द अबोड ऑफ ट्रूथ। तो जब प्रवेश करती है हल्के फुल्के होने के कारण, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको पता ही नहीं चलता कब आई और कब चली गई। सो वेन ही एंटर्स बिकॉज ऑफ बीइंग लाइट द वन ही एंटर्स डजंट कम टू नो वेन ही एंटर्ड एंड वेन ही लेफ्ट। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली ने बोला, मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता। जस्ट एज अ ब्रह्म वाक्य सेंटेंस ऑफ ब्रह्मा हैज बीन सेड इन द मुरली, नोबडी कम्स टू नो एट ऑल व्हेन आई कम एंड व्हेन आई गो। ब्रह्मा को पता चलता है क्या? डज ब्रह्मा कम टू नो इट? नहीं। नो। इसे दादा लेखराज ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। दिस दादा लेखराज ब्रह्मा डजंट नो ईदर। तो अब ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है। सो देयर आर मेनी विद द नेम ब्रह्मा। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा विद फोर फेसेस, ब्रह्मा विद फाइव फेसेस। तो उनमें जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म कहा जाता है, द नंबर वन ब्रह्मा अमॉन्ग देम हु इज कॉल्ड परम ब्रह्म, उसको भी पता नहीं चलता कब आया कब चला गया। He doesn't know either when he came and when he went. उसे भी अंदर में यही भरा हुआ है, शिवो हम। He too thinks from within, शिवो हम। तो उस सत्संग में शिव तो आकर अपना कार्य करता है, गीता ज्ञान सुनाता है। So Shiv does come and accomplishes his task in that satsang. He narrates the knowledge of the Gita. क्या करता है? What does he do? वही गीता ज्ञान जो कल्पांत काल में सृष्टि के आदि में सुनाया था। That same knowledge of the Gita which was narrated at the end of the cycle in the beginning of the world. वही गीता का clarification देता है। He gives the clarification of that same Gita. है सुप्रीम टीचर के रूप में गीता का clarification देता है। He gives the clarification of the Gita in the form of the supreme teacher. गीता का बीज रूप ज्ञान मनुष्य सृष्टि में डालता है, जिस संगठन में डालता है उसका नाम पड़ता है। He sows the seed form of the knowledge of the Gita in the human world. The gathering in which it is sowed is named. क्या? What? ओम मंडली। ओम मंडली। क्योंकि बोलता है मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। It is because he says I come along with the three personalities. ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ, महेश का म। आ ऑफ ब्रह्मा, ऊ ऑफ विष्णु, म ऑफ महेश। आ ओ म एक अक्षर हो गया। आ ऊ म बिकम्स वन वर्ड। तो एक अक्षर जो बना संगठन का, उस अक्षर के आधार पर ओम मंडली नाम पड़ा। सो द वन वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फॉर द गैदरिंग, द नेम ओम मंडली वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड। ये हिस्ट्री की बातें हैं। दीज आर फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। क्या? व्हाट? कोई न माने? इफ समवन डजंट एक्सेप्ट इट। तो अभी भी सिंध हैदराबाद में जाकर के वो हिस्ट्री निकाली जा सकती है कोर्ट कचहरियों से। That history can be found out through courts and cases even today by going to Sindh Hyderabad. सारी हिस्ट्री निकलती है। The entire history is revealed. तो बताया। So it was said. कि धर्म स्थापना के लिए आते हैं। He comes to establish the religion. और जो अधर्मी हैं। And those who are irreligious. स्वधर्म की स्थापना वाले नहीं हैं। स्व की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। Who don't establish the religion of the self, who can't remain constant in the stage of the self, paradharma, they accept the pardharma, paramanik prakriti, deh ka dharma apnate hain. Par means nature, they accept the bodily religion. Deh ka dharma mane panch bhuton ka banaya hua jo sharir hai, panch bhautik sharir. Bodily religion means the body that is made of the five elements. The body of five material elements. ये भौतिकवादी को आत्मा को जो पंचभूतों को विशेष महत्व देते हैं। The souls that give special importance to the five elements,
टू मेटेरियलिज्म, ऐसे भौतिकवादी जो हैं वो धर्म की स्थापना न करके अधर्म की स्थापना कर देते। सच मेटेरियलिस्टिक पीपल एस्टैब्लिश ए रिलीजन इंस्टेड ऑफ रिलीजन, जो धर्म है ही नहीं वास्तव में। दैट इज इंट ए रिलीजन इन रियलिटी एट ऑल, या है तो दुखदायी है। और इफ इट इज वन, इट इज दैट विच गिव्स सोरो, श्रेष्ठ धारणा नहीं है। इट इज इन द एलिवेटेड धारणा, श्रेष्ठ धारणा सुखदायी होती है। द एलिवेटेड धारणा इज द वन दैट गिव्स हैप्पीनेस, जैसे हेवनली गॉड फादर आते हैं तो सधर्म के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जस्ट लाइक व्हेन हेवनली गॉड द फादर कम्स, ही एस्टैब्लिशेस हेवन थ्रू द रिलीजन ऑफ द सेल्फ। स्व धर्म माने आत्मा के धर्म से ही स्व ग स्वर्ग स्वर्ग बनता है। स्व ग दैट इज स्वर्ग इज क्रिएटेड ओनली थ्रू स्व धर्म मीनिंग द रिलीजन ऑफ द सोल। तो जब ही धर्म स्थापन होगा तो उनकी संस्था सब आने लग पड़ेगी। सो वेन एवर अ रिलीजन इज एस्टैब्लिश्ड एवरी वन फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट कमिंग। क्या वॉट, चाहे वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। Even if it is the supreme soul who always remains in the stage of the self that comes to this world, वो इस सृष्टि पर आता है तो उसके पीछे पीछे स्व माने आत्मा के धर्म में स्थिर होने वाली आत्माएं जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है। When he comes to this world, the souls who remain constant in the religion of the self, meaning the souls who are called the rosary of Rudra, who come behind him, महारुद्र के बच्चे, the children of Maharudra, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा होने वाले, देह का भान स्वाहा करने वाले, those who offer themselves in the Rudra ज्ञान यज्ञ कुंड, those who offer body consciousness, आत्मिक स्थिति को प्रधानता देने वाले, who give importance to the soul conscious stage, उन रुद्रमाला के रुद्रगणों की उत्पत्ति होती है पहले पहले। Those Rudragan of the Rosary of Rudra are created first of all. उसके बाद? And after that? उसके बाद जो विजय माला कही जाती है। After that, it is those who are called the विजय माला। ऐसी आत्माएं जो जन्म तो लेती हैं चंद्रमा से, चंद्र ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। Such souls who are indeed born from the moon of knowledge Brahma. किससे? From whom? ज्ञान सूर्य से नहीं। Not from the sun of knowledge. सूर्यवंशी राम से जन्म नहीं। They aren't born from the सूर्यवंशी राम. किससे जन्म लेती हैं? From whom are they born? जो चंद्रमा कहा जाता है। The one who is called the moon. चंद्रमा आधा समय कृष्ण पक्ष आधा समय शुक्ल पक्ष। The moon is in Krishna Paksh for half the time and in the Shukla Paksh for the other half. Krishna Paksh, the 15 days during which the moon is on the wane. Shukla Paksh, the fortnight of the moon's increase. Krishna Paksh hai, to agyan andhakar ki ratri phailti hai. When it is Krishna Paksh, the night of the darkness of ignorance spreads. Aur jab Shukla Paksh hai. And when it is the Shukla Paksh, to gyan mane roshni. Knowledge means light. रोशनी रहती है। There is light. तो दोनों पार्ट बजाने वाली वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चंद्रमा कही जाती है। So the soul that plays both the parts on the stage like world is called the moon. वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो शंकर के मस्तक में दिखाया जाता है। That moon of knowledge Brahma is shown on the head of Shankar. क्योंकि जो बाप होता है बच्चे को प्यार में सर के ऊपर उठा लेता है। Because the father raises the child on the head out of love. ऐसे ही वो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो बच्चा बुद्धि रहती है लंबे समय तक। Similarly, the soul that plays the part in the form of the moon of knowledge, which remains the one with a childlike intellect for a long time. क्या? What? कितने साल तक? For how many years? 80-90 साल तक भी बच्चा बुद्धि रहती है। Even for 80-90 years, he remains the one with a childlike intellect. बीच बीच में आत्मिक स्टेज धारण भी करती है। He also attains the soul conscious stage in between.
फिर देन देवान में जाती है, अज्ञान में जाती है, इट बिकम्स बॉडी कॉन्शियस इग्नोरेंट। तो उस ज्ञान चंद्रमा के बच्चे सृष्टि पर आने लगते हैं। सो द चिल्ड्रन ऑफ दैट मून ऑफ नॉलेज स्टार्ट कमिंग टू दिस वर्ल्ड। नीची कुरियों के ब्राह्मण भी पैदा होते हैं और श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। ब्राह्मण्स ऑफ द लोअर कैटेगरी एज वेल एज ब्राह्मण्स ऑफ द एलिवेटेड कैटेगरी आर बॉर्न। रुद्रगण वाली आत्माएं भी आती हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। द सोल्स ऑफ द रुद्रगण ऑल्सो कम, दे बिकम द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। और उन रुद्रगणों के सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाली ब्रह्मा की 100% ब्रह्म वाक्यों को धारण करने वाली आत्मा वो भी आती है, जो चंद्रवंश से अपने को सूर्यवंश में कन्वर्ट कर लेती है। एंड द सोल्स हू कन्वर्ट टू द सन डायनेस्टी ऑफ दोस रुद्रगण हू असिमिलेट द सेंटेंसेस ऑफ ब्रह्मा 100% हू कन्वर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द चंद्रवंश टू द सूर्यवंश ऑल्सो कम। तो जैसे जैसे धर्म पिताएं आते हैं वैसे वैसे धर्म की स्थापना होने लग पड़ती है। सो एज द रिलीजियस फादर्स कम द रिलीजन्स आर एस्टेब्लिश्ड। उन धर्म पिताओं के साथ फॉलोअर्स आने लग पड़ते हैं। ऑल द फॉलोअर्स ऑफ दोस रिलीजियस फादर्स स्टार्ट कमिंग। शूटिंग पीरियड में भी आते हैं। दे कम इन द शूटिंग पीरियड। ज्ञान में आते हैं, आत्मा बनते हैं। दे कम इन नॉलेज, दे बिकम सोल्स। आत्मिक स्वरूप धारण करते हैं। दे अटेन द सोल कॉन्शियस फॉर्म। और ब्रॉड ड्रामा में भी आते हैं, आत्मलोक से आते हैं और देह धारण करते हैं। एंड दे ऑल्सो कम इन द ब्रॉड ड्रामा, दे कम फ्रॉम द सोल वर्ल्ड एंड टेक ऑन अ बॉडी। पहले स्वर्ग में जो आते हैं वो स्वस्थिति वाले होते हैं, तो स्वर्ग में आकर सुख भोगते हैं। दोज हू कम इन हेवन फर्स्ट आर दोज हू आर सोल कॉन्शियस, सो दे कम इन हेवन एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। वो आधा समय स्वर्ग, दैट हाफ ड्यूरेशन इज हेवन, और फिर आधा समय है मानवीय हिस्ट्री, एंड द अदर हाफ ड्यूरेशन इज द ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य रूप में आए धर्म पिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री, द हिस्ट्री मेड बाय द रिलीजियस फादर्स हू केम इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य को नर कहा जाता है, द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नर। तो नर नंबरवार नर्क पैदा करने वाले हैं। सो दोस नर क्रिएट नरक हेल नंबर वाइज। वो नार की सृष्टि कही जाती है द्वैतवादी द्वापर युग से। दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ हेल फ्रॉम द ड्यूअलिस्टिक कॉर्पोरेज। जहाँ दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं इस दुनिया में आरंभ हो जाती है। वेयर टू रिलीजियस फादर्स, टू रिलीजन्स, टू किंगडम्स, टू क्लैंस, टू ओपिनियंस, टू लैंग्वेजेस बिगिन इन दिस वर्ल्ड। तो फिर उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही होते हैं। सो देयर फॉलोअर्स आर ऑल्सो द सेम। तो देखो क्या हुआ। सो लुक वॉट हैपेंड। तुम बच्चे जान गए हो कि देखो पहले पहले जो संस्था इस सृष्टि पर आती है वो देवी देवताओं की आती है। यू चिल्ड्रन हैव कम टू नो द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन दिस वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑफ द डीटीज। क्योंकि जो वास्तव में ईश्वर है, इट इज बिकॉज द वन हु इज गॉड ईश्वर इन रियलिटी। क्या वॉट ईश माने शासन करने की शक्ति वाला, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ईश मीन्स द वन हु हैज द पावर टू रूल एंड वर मीन्स द मोस्ट एलिवेटेड। उस ईश्वर की संस्था क्या करती है, ईश्वर आकर के नर को नारायण जैसा बनाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट गॉड डज वॉट, गॉड कम्स एंड मेक्स नर लाइक नारायण। तो जो नारायण जैसे बनते हैं नंबर वार, वो है देवी देवताओं की संस्था 16 कला संपूर्ण। सो दोज हू बिकम नंबर वाइज लाइक नारायण इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डीटीज कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। इस बात को तुम जान चुके हो कि हेवनली गॉड फादर आते हैं तो हेवन की रचना रचते हैं। उस हेवन में जिन्होंने उस हेवन को जीता है। यू गॉट टू नो दैट व्हेन हेवनली गॉड द फादर कम्स ही क्रिएट्स द क्रिएशन ऑफ हेवन, दोज हू हैव वन दैट हेवन। नरक की दुनिया में रह करके जो नारकीय धर्म पिताएं हैं नरक बनाने वाले, उनसे ज्ञान का युद्ध करके
उस स्वर्ग को जीत लिया. They have won that heaven after having a war of knowledge with the religious fathers of hell who create hell living in the world of hell. इसलिए उसका नाम अंग्रेजों में पड़ा है विन. This is why the name is heaven among the English people. क्या? What? जीत लिया है. They have won it. ये बात तुम बच्चे जानते हो. You children know this. ये पहले पहले ये संस्था स्थापन होती है सच रूपी रंगमंच पर. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड. ओम शांति. ओम शांति.